जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिका है उन सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं साईदास फिर से आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ दिवालन के बारे में पूर्ण जानकारी के साथ। बहुत सारे लोगों ने मुझे जीमेल किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेजेस किए, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल पे पूछा कि आप दिवालन के ऊपर एक पूर्ण जानकारी दीजिए जो कि हम संतुष्ट हो सके कि दिवालन क्या है, इसे सिद्ध कैसे करते हैं, ये किस तरह का शक्ति है, ये कहां से आता है, इसके सिद्धि के पश्चात किस तरीके से होता है, हमें इसे कैसे पैसा मंगवाया जाता है, इसे कैसे सत्कर्म किया जाता है, इसकी सामग्री कैसे उपलब्ध होगा, इसमें कौन सी सामग्री लगता है, क्या सच में दिवालन सिद्धि होता है, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो लोगों ने मुझे जीमेल के जरिए में पूछा था। ऐसे बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे पहलू है जो लोगों की दिलों में दौड़ रहा है दिवालन को लेके, क्योंकि ऐसे ही कुछ साल पहले लोग चुड़ैल के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब हर वो चैनल में देखने को मिलेगा कि चुड़ैल सिद्धि, वैसे ही ये एक तरह का साधना है दिवालन। ये चुड़ैलों से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अब मान लो जैसे कि 100 चुड़ैल मिलके एक शक्ति बनते हैं तो दिवालन एक उनकी बराबर होता है, यानी 100 चुड़ैल की बराबर एक दिवालन, ठीक। जबकि चुड़ैल आपकी सटकर्म नहीं कर सकता है, बल्कि दिवालन ये चुटकियों में आपकी सटकर्म कर सकता है। सबसे पहले दिवालन है कौन? दिवालन वो बुरी आत्मा जो अपने परिवार से बिछड़ा हुआ होता है, दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो जाता है। जब ये औरत जिंदा रहते समय बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का औरत था, इधर उधर की चीजें चुराया करता था, लोगों के बीच में झगड़ा लगाया करता था, कलह करता था। ऐसे औरत जब दर्दनाक मौत होता है तो उनकी आत्मा जो है दिवालन योनि में फंस जाता है। वैसे ही 84 लाख योनि में से एक योनि है दिवालन, ठीक है। इंसान एक योनि है, प्रेत एक योनि है, पिशाच एक योनि है, वैसे ही बहुत सारी योनि है 84 लाख। पत्थर को भी एक योनि में गिनती किया जाता है, वृक्ष को भी एक योनि में गिनती किया जाता है, ठीक। तो ये एक इतर योनि शक्ति है जो तामसिक प्रवृत्ति से इसको सिद्ध किया जाता है, यानी तामसिक तरीके से इसे सिद्ध किया जाता है। जो औरत जिंदा रहते समय चोरी करना उसका प्रवृत्ति है, वो औरत मरने के बाद उसको प्रकृति से ऐसे अलौकिक शक्तियां मिलता है जिसके जरिए तांत्रिक उसे सिद्ध करने के बाद उसे चोरी करवाते हैं, पैसे उससे मंगवाते हैं, ठीक है। वो चाहे जेवरात हो चाहे केस हो, वो लाके देता है अपने साधकों को। उसके बदले वो क्या चाहता है? वो साधकों से अपना भोग चाहता है, तामसिक शक्तियां तामसिक प्रवृत्ति के भोग चाहते। तो दिवालन को मांस और मदिरा का भोग लगता है। ये एक स्त्री योग साधना, चुड़ैल जैसे स्त्री अब बनते हैं मरने के बाद, तो ऐसे औरत जिसकी पेट में बच्चा हो या बच्चे होने से पहले, यानी जैसे कि गर्भावस्था में 1 महीना 2 महीना हुआ गर्भधारण करते हुए मृत्यु हो गया, या बच्चे होने के बाद 1-2 महीने के बाद मृत्यु हो गया है, ठीक, अस्वाभाविक तरीके से, यानी कार एक्सीडेंट में या लटक के या फिर जहर पी के, इस तरीके के औरत जो होते हैं मरने के बाद इनकी जो आत्मा है तड़पते रहता है और उसे प्रकृति से शक्तियां मिलते हुए ये एक दिवालन बन जाते हैं। तो ऐसे शक्तियों को लोग और कुछ तांत्रिक इसे सिद्ध करते हैं अपनी मनवांछित कार्यों को पूर्ण करने के लिए, ठीक। तो सबसे पहले हमने जाना क्या कि दिवालन एक इतर योनीय शक्ति है और एक स्त्री योगी साधना है। स्त्री योग साधना यानी जैसे पिशाचिनी वैसे डंकिनी शंकिनी और चुड़ैल प्रेतनी भूतनी, इस तरीके का किस्म का इतर योनीय शक्ति है ये। इसकी साधना आप किसी भी अमावस्या को, किसी भी शनिवार के दिन, किसी भी नवरात्रि के दिन, किसी भी दशहरे, किसी भी चंद्रग्रहण, किसी भी आपको शिवरात्रि के दिन, किसी भी होली, किसी भी दिवाली के दिन ये साधना को संपन्न किया जा सकता है। साधारणतः इसको शनिवार में लोग करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये जो शुभ मुहूर्त है साल में एक बार आता है, लेकिन शनिवार हर हफ्ते आता है, ठीक। इसके लिए सबसे उत्तम चीज़ें होता है कुछ तामसिक सामग्री जो जरूरत पड़ता है। अब जिस औरत को, जिस दिवालन को सिद्ध करना चाहते हैं उसकी कपड़ा सबसे जरूरत है। वैसे मरी हुई औरत की कपड़ा, यानी वो जो पहना हुआ कपड़ा होता है, साड़ी हो या सलवार भी हो, लेकिन जो मरते समय जो कपड़ा पहना हुआ है वैसे कपड़ा आपको जरूरी है,
जैसे कि खून की धाग छींटा लगता है, जिसमें खून की छींटा ना लगा है तब भी चलेगा, लेकिन मरे हुए औरत की कपड़ा, जो औरत मरा हुआ है उस कपड़े को पहनते हुए, उसी कपड़े को चाहिए आपको, ठीक है। उसमें और कुछ सामग्रियां लगेगा, जैसे कि कुंवारी कन्या की बाल। कुंवारी कन्या को देवी तुल्य माना जाता है, लेकिन तंत्र में कुंवारी कन्या की बाल से बहुत सारी काला जादू किया जाता है, ठीक है। ये साधना में आपको मरी हुई औरत की साड़ी, कुंवारी कन्या की बाल, कुंवारी यानी जो कहते हैं जब तक उसने ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा है उसको कुंवारी पे गिनती किया जाता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि शादी होने तक ही उसको, मतलब शादी होने से पहले कुंवारी रहता है, नहीं, शादी होने से पहले भी आजकल लोग जो होते हैं संभोग बना के कुमारित्व जो है खो देते हैं, ठीक। तो कुंवारी कन्या की बाल। उल्लू का नाखून, उल्लू का नाखून को काला जादू में इस्तेमाल होता है, षटकर्म करने में और दिवालन साधना में भी इस्तेमाल होता है। धन वृद्धि के लिए उल्लू का नाखून बहुत महत्व रखता है, ठीक। काम्या सिंदूर, ये सारे शक्तियों का भंडार है, जिस चीजों से जुड़ी हुई है वो काम्या सिंदूर है। काम्या सिंदूर में इतनी आकर्षण शक्ति है जो हर वो शक्ति को खींचने में एक अपने अंदर एक मतलब ताकत रखता है कि हर वो शक्ति को वो खींच सकता है। आकर्षण में, वशीकरण में काम्या सिंदूर बहुत इस्तेमाल होता है। वैसे ही यहां दिवालन को वश में करने के लिए काम्या सिंदूर इस्तेमाल होता है। ये साधना सबसे आसान साधना है, 101 मंत्र जाप में ही आपको सिद्धि मिल जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दिवालन खुद चाहता है कि इस योनि से वो मुक्त होने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, दिवालन खुद चाहता है कि वो इस इतर योनि से मुक्ति पाने के लिए, वो किसी भी इंसानों के हाथ सिद्ध होके उसका काम करके उसे उस योनि से मुक्त होना है, ठीक। तो ये 101 मंत्र जाप में सिद्ध होता है। इसके लिए सामग्री जो है थोड़ा सा महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, मिल जाता है। तो सामग्री क्या क्या है, मरे हुई औरत की कपड़ा, कुंवारी कन्या के बाल, काम्या सिंदूर, उल्लू का नाखून और गटर की पानी, ठीक। ये सारे सामग्री इसमें इस्तेमाल होता है। आपको सारा सामग्री एकत्रित करना है, मरे हुए औरत की साड़ी के ऊपर आपको सारा सामग्री रखना है, फिर 101 मंत्र जप करना है घेरे के अंदर रहते हुए, तो ये दिवालन आपके सामने आ जाएगा, फिर आप उसे वचन ले लीजिएगा। सबसे सबसे आसान साधना, चुड़ैल साधना बहुत ही दिक्कत भर होता है, क्योंकि उसको बाल जलाना पड़ता है कपूर के साथ, बहुत ही मंत्र उच्चारण करता है, अलग अलग चुड़ैल का अलग अलग विधि होता है, लेकिन ये सबसे बेहतरीन साधना है। कुछ साधक ये भी पूछेंगे मुझसे कि ये सिद्धि होने के बाद क्या नुकसान पहुंचाता है। जी नहीं, कोई भी शक्ति, इतनी वो नहीं शक्ति, अगर वचनबद्ध एक बार हो जाता है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जबकि आपको दिवालन से कौन से तीन वचन लेना है कि जब भी मैं आह्वान करूं आपको आना है, जैसे भी जिस प्रकार भी काम दूं आपको मेरा काम करना है, कभी भी किसी भी कारण मेरे से या मेरे परिवार से अब रुष्ट हो गए हो तब भी हमारे को कोई नुकसान नहीं करना है, या मेरे चाहने वाले को, मेरे परिवार को, या मेरे को कभी भी नुकसान नहीं करना है। तो ये तीनों वचन देने के बाद वो एक तरह का बन जाता है आपके पास, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन हमें इन सब सारे पाप से मुक्त रहना है, तो कुछ साल तक हम दिवालन को इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम दिवालन को विसर्जन करेंगे। और दिवालन की जो विसर्जन प्रक्रिया है मैं उन्हीं को बताऊंगा, वो जो मेरे शिष्य होंगे जो दिवालन की साधना मेरे से दीक्षा लेके करेंगे। सबसे पहली बात है, मतलब दिवालन साधना किसको करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, दिवालन साधना किसको करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। दिवालन साधना उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो कर्ज से डूबे हुए, बहुत सारी कर्ज कंपनी से लिए हुए हैं, या बैंकों से लिए हुए हैं, या कहीं से जुआ खेल के फंस गए हैं, इस तरीके के जो लोग हैं, जो मरने की कदार पे है या घर डूबने की कदार पे है, जो बेटियों की शादी नहीं कर पाते हैं, इन सारे लोगों को ये एक तरह का वरदान साबित होता है इस तरीके के साधना। तो इन्हीं लोगों को मैं सलाह दूंगा, अगर वो मरने चाहते हैं मरने से पहले एक बार ये करके देख लीजिए, क्योंकि ऐसे चीज़ों को अब काफ़ी जो है महत्व, मतलब इस चीज़ों का जितना भी वर्णन किया जाए उतना भी कम है। ये सब भोग लेता है आपसे, भोग में क्या लेता है, चाहे आप मुर्गे की मांस दो, बकरे की मांस दो, या फिर बकरे की कलीजी दो, साथ में दारू, चाहे देसी दारू दो या अंग्रेजी शराब दो, ठीक। ये साधना 1000% सिद्ध होता है, 1001% ये सिद्ध होता ही है।
कारण यह है कि इनकी ये इतरियोनिया शक्ति खुद चाहता है कि किसी भी इंसानों के हाथ ये सिद्धि हो और उसके काम करके उसे इस इतरियोनि से मुक्ति पाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शिवपुराण में भी कहा गया है कि इतरियोनिया शक्ति तभी उनकी मुक्त होता है, मुक्ति पाते हैं जब कोई इंसान आके उनको सिद्धि करके उनसे अपना काम करवा के उनको मुक्ति दे। तो दिवालन से आपको कोई किसी भी तरह का खतरा नहीं है, आप इसे विसर्जन भी कर सकते हैं पूर्ण तरीके से। वो विसर्जन प्रक्रिया हमारे शिष्यों को बताया जाएगा और इसके जो मंत्र विधि विधान है वो सारे, जो दीक्षा लेना चाहते हैं हमसे संपर्क करें, व्हाट्सएप नंबर 7302002766 में संपर्क करके हमसे दीक्षा ले, कैसे क्या करना है सारा कुछ बताया जाएगा। ठीक, और ये साधना जितने बंदों ने पूर्ण किए है, 101 मंत्र जब किए हैं उनके सामने ये आ चुका है। और कैसे आता है, पहले दो फोटो में मैंने आपको जो दिखाया, किसी के सामने परछाई की तरीके से आता है तो किसी के सामने साक्षात दिवालन औरत की स्वरूप में खड़ा हो जाता है, खड़ी हो जाती है। ठीक है, जय गोरडू।